बेसिकली ये सब। सो अनदर एग्जांपल इज हियर, सेंटर क्लियर्स वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ ओडिशा सीएम एड पांडियन। सो रादर देन सेइंग ओडिशा सीएम एड, ही इज बेसिकली ही इज अ 2000 बैच आईएएस ऑफिसर। सो इवन व्हेन द नो न्यूज आइटम इज सेइंग कि ओडिशा सीएम एड, दैट इज एक्चुअली इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट टू से सो। ही वॉज एन ही इज एन आईएएस ऑफिसर। वही बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज का ये आयरनी है, डेवलपिंग कंट्रीज की ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन है कि यहाँ पर दोनों चीजों की जो बाउंड्री लाइन है वो दैट द बाउंड्री लाइन इज नॉट रियली क्लियर। दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि डीओपीटी ने अब उनको रिलीव कर दिया। तो अब क्या होगा, अब वो पॉलिटिक्स में आना है। पॉलिटिक्स में तो ऑलरेडी वो सोच ही रहे हैं कि आई एम द बैक हैंड मैन, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। बट द क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव अराइजेज, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसे जो आइडियाज हैं वो हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए, ऐसे जो आइडियाज हैं या ऐसी जो सोच है, ऑब्वियसली एनी पावरफुल पर्सन वुड लव टू हैव पावर कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन देयर ओन हैंड। तो इसीलिए जो है आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय में जो उनको फायदा होगा, बहुत लंबे समय में मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो, कि या फिर जैसे अब जब भी अगले 5 साल से ज्यादा अगर आप ओडिशा ओडिशा पॉलिटिक्स की बात करें, तो देर विल सी चेंज विल बी देयर डेफिनेटली, बिकॉज एड रिमेन्स एन एड। यू कैन नॉट बिकम द पब्लिक फेस अंटिल अनलेस यू गो थ्रू दैट ग्राइंडिंग। तो जिन लोगों ने ग्राइंड किया है पहले उनका नंबर आएगा। और ओडिशा इवन फॉर एनी कॉमन पर्सन इट विल बी ए काइंड ऑफ पैराट्रूपिंग, दैट्स व्हाट आई कैन से। आप क्या बोलते हो अशिक? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ सिविल सर्वेंट सर। हिज आइडिया इज टोटली मे बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो चुनाव लड़ के आते हैं, लेकिन दस और साल से तो उन्होंने उनका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाला ही काम किया है। हाँ सर, लेकिन तब भी वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो है नहीं ना, वो तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो उनका जो आइडियाज होगा दे आर ऑलवेज सेफ गार्डेड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुनाव लड़ के आते हैं, लेकिन अभी उनको डायरेक्टली जनता को समझाना होगा। तो मे बी हिज आइडियाज को पाएंगे, वो परकुलेट नहीं, समझा मुश्किल है पाएंगे सर, मुश्किल है सर, हाँ? मुश्किल है। तो ही विल ट्राई बट मुश्किल। अब यहां मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मानसी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अन्नामलाई, मिस्टर अन्नामलाई का और एक मिस्टर पांडियन का, दोनों के पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू जनरल स्टडीज पेपर 4, जब हम एथिक्स की बात करते हैं या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, तो किसका पाथ आप फॉलो करेंगी, पांडियन का पाथ फॉलो करेंगी कि अन्नामलाई का पाथ फॉलो करेंगी? तो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है अभी किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, तो आई जस्ट जॉइन इन बिटवीन, तो इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं। क्या सर? अशिक आप किस पे करेंगे, मिस्टर पांडियन की मिस्टर अन्नामलाई या फिर मिस्टर केजरीवाल? तीन एग्जांपल्स हैं। सर, आई हैव नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स सर। आई एग्री, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट इन जनरल इफ अगर आई आप मे हैव आपने गिवन चॉइस, देन आई वुड फॉलो द मिस्टर अन्नामलाई पाथ। मिस्टर अन्नामलाई बात, थैंक बिकॉज सर, यू। बिकॉज ही इज ग्राइंडिंग नाउ फॉर लास्ट 2 to 5 years, एंड द पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट हिज आइडियाज एंड हिज विजन फॉर तमिलनाडु, एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम फॉर नेक्स्ट 10 to 10, 10, 15 years, देन ही कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर और एनीथिंग। बट नाउ एज यू आप सेड सर, ही देख, इज ग्राइंडिंग टू एक और टुवर्ड्स। यहाँ पर एक और आइटम है विच सीन्स वेरी मंडेन, और न्यूज आइटम ये है कि एक्स आईपीएल सिस्टर्स हर चाइल्ड डाई इन मुंबई फायर। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि उनके साथ क्या, मतलब ऑब्वियसली इट इज वेरी ट्रैजिक एंड इट इज वेरी वेरी ट्रैजिक, आई शुड नॉट से ओनली जस्ट ट्रैजिक। वो अपने विजिट कर रहे थे और विजिट करने के दौरान ही ऐसा हो गया। तो इससे पता लगता है कि जो अभी हमने अर्बन ओवर मेजर हॉल की जो आपने बात की थी अभी, जो वो अर्बन लॉस की जो बात की थी, आप सोचिए कि वो कितना ज्यादा उसको अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये जो फैमिली थी देवर विजिटिंग फ्रॉम स्कॉटलैंड, और बताओ कि इसी टाइम क्या ये होना था, ऐसा नहीं है। इसमें जरूर है कुछ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, एलिमेंट ऑफ लक आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको जो राइट जगह पैसा लगना चाहिए, राइट जगह जो अप्रोच होना चाहिए और राइट जगह जो उसकी वैल्यू और सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ये आज उनके साथ हुआ है, किसी और के साथ भी कभी भी हो सकता है।
वी आर गोइंग फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स, वी आर गोइंग फॉर अपार्टमेंट्स, वी आर गोइंग फॉर एवरीथिंग, बट सी व्हाट हैपेंड. सो देयर वाज अ बर्निंग दिया इनसाइड अ फ्लैट, उससे ही हो गया सोर्स ऑफ द ब्लेज. अगर दिया था भी तो उसके अलावा भी तो सिस्टम्स होते हैं, फायर अलार्म्स हो सकते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर अलार्म्स होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर और सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, आरडब्ल्यूएस को इसके लिए लगातार ड्रिल करनी चाहिए, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार. चलिए आगे. अब रिटायर्ड टीचर और उसके एक स्टूडेंट ने बंगाल विलेज स्कूल को अलाइव रखा, यानी दीज आर द रोल मॉडल्स, दीज आर द व्हाट आई शुड से, दीज आर द पर्सनैलिटीज विच मस्ट इंस्पायर यू. कि जो देवेंद्रनाथ घोष जी हैं और उनके स्टूडेंट्स हैं वो फ्री में पढ़ाते हैं, और इवन मोर देन देयर 70s, कोई उन्हें पे भी नहीं करता है, और उन्होंने एफर्ट करके जो है स्कूल को चलाया 75 ईयर ओल्ड. सो वी हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. लाइफ तो सबकी लिमिटेड है, लेकिन क्या करके आपको रियली में सेटिस्फेक्शन मिलता है. और उनको जो एनुअल ग्रांट भी मिले थोड़ा बहुत या कुछ भी मिले, उससे भी वो चला रहे हैं, जैसे बसंतपुर जूनियर हाई स्कूल का एग्जाम्पल है. तो आप अपने एग्जाम्पल भी ऐसे एग्जाम में क्रिएट कर सकते हैं, पर ये आइडियलिज्म और ये आपको क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है. कोई इसमें कुछ कहना चाहते हैं? नो सर, नो चलिए आगे. मानसी. सर, अब उसके बाद इस पेज के ऊपर हम देखते हैं, तो पहले न्यूज़पेपर से ही था, प्रिपेयरिंग फॉर ग्राउंड इन्वेजन. ठीक है जी, चले हो रहा है, एक्साइपीएल सिस्टर की हमने बात कर ही ली. और उसके बाद जो है डिप्टी सीएम ने कास्ट सर्वे को सपोर्ट करने की बात की, तो पॉलिटिकल एक्सपीडिटी यहाँ पे दिखता है. केरला टेम्पल बोर्ड बैन आरएसएस एक्टिविटीज. सो दीज काइंड ऑफ आइडियाज आर ऑलवेज देयर, जब एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण ऐसा कर सकता है, लेकिन बैन, अब हाउ फार बैनिंग इज यू नो कैन बी जस्टिफाइड, एज लॉन्ग एज हेट या फिर पब्लिक ऑर्डर या फिर एंटी नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात हो, तो ये वाली बात है. तो इसको इस एंगल से आप देखेंगे, अदरवाइज यू नो आपको देखना पड़ेगा कि जो जैसे अब यहाँ पर जो है जो एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई पिटिशन दिया था, पिटिशन वाज जो डिवोटीज है उन्होंने दिया, और डिवोटीज के पिटिशन देने के बाद जो जो प्रॉपर्टीज आपे मैनेज कर रहे हैं उसकी, उन्होंने उसको ये बोला कि कोई भी नो मास ड्रिल और वेपनरी प्रैक्टिसेस शेल बी परमिटेड इन द प्रोमिसेस ऑफ द सेड टेम्पल. तो यानी कि अगर आरएसएस का जो है अपना, कि भाई दशहरा फेस्टिवल में या वैसे भी वो अगर तलवार डंडा ये सब जो उनका पार्ट है, और वो ये एक तरीके का सैंक्टिटी भी है उसकी, एक तरीके का वो शाखा का अपना एक वैल्यू है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही उसका रॉन्ग ही पर्सपेक्टिव है. लेकिन हम यहाँ पर ये देखना, यहाँ पे यहाँ देखने वाली बात ये है कि कैसे और सिटीजन्स या और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है. आप इस सर तरीके से इसको. हाँ सर जी एक और इसमें बात आती है सर, जो केरला टेम्पल बोर्ड है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट, तो इट इज अ प्राइवेट हाँ इंस्टीट्यूशन, तो इट कैन बैन बिकॉज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैज अ से इन इट, इट कैन बैन द अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और एनजीओ फ्रॉम एंटरिंग बिकॉज आरएसएस वो डिवोटी नहीं, डिवोटी को बैन नहीं कर सकते, इट विल अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. आरएसएस इंस्टीट्यूशन एनजीओ तो इट कैन बैन, बट इट इज एथिकल और नॉट वी हैव टू क्वेश्चंस. चलिए आगे. आप देखिए, 50% गार्बेज हॉटस्पॉट बोल तो रहा है मेयर, मेयर बोल रहे हैं कि हमने कर दिया, लेकिन क्या दिल्ली में 3 साल बाद या बॉम्बे में 2 साल बाद या इवन पुणे में या इवन औरंगाबाद में या फिर इवन चेन्नई में 3 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद, 3 साल बाद लैंडफिल जो हो रहे हैं या जो प्लास्टिक का या जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका क्या होगा? आपको ऐसा सोचना चाहिए. दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दैट इज यहाँ पे ऑन. एज अ सोल्यूशन जो लैंडफिल साइट्स भी है हम क्रिएट करते हैं, या वो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं उस हॉट स्पॉट्स पे. सो वी कैन गो फॉर इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स, उनका डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए. आप इंजीनियर लैंडफिल साइट हो तो कॉन्सेप्ट बोलो, यू कैन ऑलवेज से द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियर लैंडफिल साइट्स, और उसके बाद आप लोग कभी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम यू कैन ब्रिंग इट बैक आल्सो. आईएएस ऑफिसर इन ऑफरिंग ऑफिस चेयर टू प्रीस्ट फेलिसिटेटिंग हिम इन वीडियो, दिल्ली गवर्नमेंट सीक्स रिप्लाई. सो डीएम लक्ष्य सिंघल, उन्होंने प्रीस्ट को शॉल से और फोल्डेड हेड से उनकी बात की, साउथ वेस्ट दिल्ली के डीएम है, और वीडियो जो है वायरल हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसका कॉग्निजेंस लिया. तो आपका क्या कहना है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? उनका कहना है कि सर हैज बीन माय गुरु सिंस आई वाज बॉर्न, आई इनवाइटेड हिम टू फैसिलिटेट हिम, ही वाज द ओनली पर्सन हु एडवाइज मी व्हेन आई वाज इन कॉलेज टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, माय फादर यूज्ड टू कंसीडर हिम एज हिज फादर सिंस आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर व्हेन माय फादर वाज जस्ट 23, ही स्टेड जस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड लेफ्ट. लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि उसी कुर्सी पर बैठ के क्या आप पूरा फैसिलिटेट करोगे, तो दिस वुड मतलब अमाउंट
violation of the code of conduct also. It is not an ethical practice. And even aside ki we respect his again personal dignity and डू यू रियली एग्री विद मिस्टर अक्षय या लक्ष्य जो भी नाम है लक्ष्य सिंगल, वो कह रहे हैं कि सर आई डिडंट नो दिस वुड हैपन, आई विल स्टे अलर्ट नेक्स्ट टाइम, दिस वाज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेइंग रिस्पेक्ट। क्या रिस्पेक्ट जब आप ऑफिसर बन जाते हो तो अपने माता पिता को या अपने भाई बहनों को या अपनी बीवी को या अपने पति को जब तक तुम उस कुर्सी पे बिठा के या जब तक तुम कुछ और मिस यूज नहीं करवाओगे तभी तक नहीं होगा क्या? या रिस्पेक्ट वैसी दी जाती है क्या? नो सर, तो सर दिस इज एक बेसिकली इसमें डिफिकल्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है सर लाइफ. इसमें, कि ऐसे वी सी दैट जो भी कैंसर सर्वाइवर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी एक दिन के लिए डीजीपी बनाया जाता है, वह ऑन कुर्सी पर बैठाया जाता है। तो आई थिंक दैट सर जो दिस 30 मिनट्स है इसमें उन्होंने कोई ऑफिशियल वर्क नहीं किया और उनको बस बैठाया और रिस्पेक्ट देके फूल माला चढ़ा के वापस फिर भेज दिया। वो तो तो ठीक दिस है, इज फूलों सर तो आपने सही बोला, लेकिन जब आप कैंसर सर्वाइवर या चाइल्ड लेबर या उनकी बात करते हो तो वो अलग है. जो ये प्रीस्ट हैं, जो ये गुरुजी थे, तो इनके गुरुजी थे ना, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ है भाई? बताया तो, माई फादर यूज टू, माई ग्रैंड फादर यूज टू, आई यूज टू, आई आई माई माई ही है. तो ओके, आई एग्री विद यू आशिक. तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोना क्रैक एग्जाम एंड सिट ओवर देयर, आई एम गोना कम ओवर एंड सिट ऑन द टेबल एंड आई एम गोना सिट फॉर नॉट 30 मिनट्स, आई एम गोना सिट फॉर 1 hour. गॉट इट? टाइम वुड बी डिसाइडेड बाय मी सर। अच्छा. No, but then I want to say, अच्छा, time would be, you want to say after office hours, you want to say this. हाँ सर, आफ्टर ऑफिस आवर ओनली 1 मिनट और 2 मिनट्स आई थिंक। सर So, only 1 minute or 2 minute, देख रहे हो, ये भी गलत है. आपको ये नहीं बोलना था, आपको कहना चाहिए था कि मतलब वट एवर इज नॉट पार्ट ऑफ द डेकोरम और प्रोटोकॉल, वी शुड ट्राई नॉट टू डू दैट. चलिए आगे चलिए. तो ये लार्जेस्ट प्योर प्ले, देखिए नीचे आइए, नीचे आइए, वहीं नीचे आइए. प्लीज कम बैक अगेन टू द सेम पेज. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन भी आता है, प्रीलिम्स में तो आता ही है, द लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. नाउ दिस इज द की वर्ड हियर. ओके आशिक, कैन यू हियर मी? द सर लार्जेस्ट प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, ये की वर्ड है. चलिए आगे, अब इसका बस इतना ही काफी है, इतना जानने बहुत है. एरेडा ऑल्सो सर, इट इज द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इम्पोर्टेंट है. चलिए और चलिए. ओके, नीड ऑफिशियल्स हु आर सीरियस अबाउट टैकलिंग पोल्यूशन, यानी इन स्पाइट ऑफ क्रैकिंग सिविल सर्विसेज, इन स्पाइट ऑफ क्रैकिंग एसएससी, इन स्पाइट ऑफ क्रैकिंग डीएसएसबी, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिल्ली. पटना भी उतना ही पॉल्यूटेड है जितना दिल्ली है, लेकिन वहां तो अभी ये बात ही नहीं हो रही है, शायद 5-10 साल बाद शुरू होनी शुरू करेगी. 10 सबप्रेसेंट्स की बात हो रही है. हमने जो कनॉट प्लेस के अंदर जो स्मोक टावर लगाया था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उससे यूज नहीं हो रहा है. तो एबसेंस ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स एट मीटिंग, तो एपैथी है. उसके बाद जो है उसका वो इतना लुक्रेटिव या उसको इतना सिंसियरली नहीं माना जाता. तो ये दीज आर द सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एंड अदर एलिमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू बी सीन हियर. बाकी तो पोल्यूशन फाइट आप कैसे कम कर सकते हैं, मेट्रो और जो बस है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, स्पेशल टीम बनाइए, 10 सबप्रेसेंट और ट्रैफिक पुलिस. चलिए आगे. 10 सबप्रेसेंट्स को हमें प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से पता होना चाहिए कि व्हाट आर द 10 सबप्रेसेंट्स, और उसके अंदर जैसे लिखा भी हुआ है कि सॉल्ट्स यू ऑफ नो सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम है. फिर उसके बाद आप सीपीसीबी की बात लेके आते हैं, तो व्हाट इज सीपीसीबी, और सीपीसीबी के साथ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होता है, दोनों क्या स्टैट्यूटरी है कि दोनों जो है आप रेगुलेटरी बॉडी है कि एडवाइजरी है, यू नो दैट्स हाउ वी हैव टू मूव ऑन एंड थिंक अबाउट इट. चलिए. हाई स्पीड एक्सेस फ्रॉम एनसीआर टाउन टू दिल्ली,